आज का नाश्ता और ये है एडिशन संगाड़े, माय फेवरेट। सर्दियों में सबसे बेस्ट डिश चाहिए, हेल्दी टेस्टी और मज़ेदार। नवरात्रा डे 3। दिनों बाद मैं गाड़ी पे जा रहा हूँ ऑफिस। दो तीन कारण है। एक तो है कि ठंड हो गई है ज़्यादा, ठीक है, चलो वो तो खैर इतना बड़ा कारण नहीं है। एक मेजर कारण है कि बारिश हो रही है आज फिर से सुबह से, और बादल है तो शायद आज बारिश का वेदर रहेगा, और शाम को बारिश हुई तो दिक्कत हो जाएगी, तो इसलिए मैं गाड़ी लेके जा रहा हूँ। और एक और मेजर कारण है कि बड़े दिनों से गाड़ी निकाली नहीं है, तो फिर उसमें चूहे वगैरह घुस जाते हैं, तो मैंने सोचा कि आज ले ही जाते हैं, तो इसलिए आप गाड़ी लेके आए हैं। बुक करने शुरू नहीं किया क्योंकि मुझे पता है कि अगर एक बार मैंने शुरू कर दी तो मैं पढ़ता चले जाऊँगा, तो मैंने सोचा अपने काम कर लें सारे, पहले काम निपटा लें फिर बुक पढ़ेंगे। वेदर बहुत बढ़िया हो गया, अच्छी ठंड हो गई है, थोड़ी मोटी चादर लेने की ज़रूरत पड़ रही है रात को, पंखा बिना पंखे के भी बैठ सकते हो, तो अच्छा वेदर है। सर्दियाँ मुझे वैसे भी पसंद है, तो अच्छी बात है सर्दियाँ आ रही हैं। भैया बुक रीडिंग एक्शन का 5 चैप्टर कल पढ़ लिए थे, छठे चैप्टर में आज देखिए क्या नाम है उसका, 1 वर्ड 2 लेक्स तो हो गया, वाला भी हो गया, ये 9 है स्टेप का नाम। चलो भाई करें अपनी बुक वाली जर्नी शुरू। 5 चैप्टर पढ़ूंगा बुक के, 7 मैंने ऑलरेडी पढ़ लिया, और अभी मेरा मन करा कि मैं ख़त्म ही कर दूँ, फिर लग रहा आज बुक ख़त्म ही हो जाएगी। मन तो है और पढ़ने का, देखता हूँ कि क्या करता हूँ, ख़त्म होगी तो 2 दिन में ख़त्म हो जाएगी भाई। अभी मन तो कर रहा है पढ़ लूँ, इतने इंटरेस्टिंग है, फिर तीसरा पार्ट भी, फिर उसका वेट चलेगा, देखते हैं डिसाइड करते हैं क्या करें भाई। पूरी आपको शाम को ना ऐसे आग जला के बैठो, मूंगफली वूंगफली खाओ, वो मज़े वाला टाइम आ गया, आग सेको और ठंड को एंजॉय करो और क्या। वो दिन में 50 मिलियन क्रॉस कर गया भाई हनी भाई का गाना, ओ भाई क्या ही फैन फॉलोइंग है भाई, उधर टाइगर 3 भी रिकॉर्ड बना रही है, पर गाने ने भाई 50 मिलियन 2 दिन में क्रॉस, ओ तेरी भी भाई, ये हनी भाई कर सकते हैं और किसी के बस का है नहीं, निकल जाता। बट ये शाम का जो टाइम होता है ना, ये निकालना बड़ा मुश्किल लगता है, भूख बहुत ज़्यादा लगती है। नवरात्रे चल रहे हैं, बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है, ऊपर से ना 365 डेज ब्लॉगिंग वाला चैलेंज चल रहा है, इजी नहीं है यार, लगता इजी है पर सोचो पूरे 1 साल खुद को रिकॉर्ड करना है, एडिट करना, सब कर करके डालना, तो ना मुझे लग रहा मैंने आज का ब्लॉग ही नहीं डाला। तो भाई सारी रात रात बैठ के एडिट करके डाल के सोचता हूँ, पब्लिक करना भूल गया, शेड्यूल भी नहीं लगाया और पब्लिक भी नहीं किया, 9 बजे ब्लॉग डाल रहा हूँ, मेरा दिमाग ना तारा दिख रहा है। हाँ भाई बड़े दिनों बाद तारा दिखा कैमरे में, नहीं तो होता तो है रोज़ बट दिखता नहीं है कैमरे में, पता नहीं कौन सा स्टार है क्या है, बट बड़ा सुंदर स्टार है, ब्राइट एंड सुंदर, मज़ा आ गया देख के। लेट जा रहा हूँ स्टाफ की कमी की वजह से, ऊपर से इस टाइम पे भूख भी ज़्यादा लगती है, ऊपर से इसी टाइम पे लोगों को आना भी होता, सारा दिन शॉपिंग नहीं करनी, इस टाइम पे शॉपिंग करनी है, तो हॉरर मूवी वाला पार्किंग एरिया, लाइट भी फ्लिकर कर रही है, पूरा अंधेरा, अपनी गाड़ी हो खड़ी, खाली सुनसान, बुरा ही हाल है यहाँ का ना। आज का डिनर कढ़ी चावल, वर्त वाले चावल है, साथ में कढ़ी है, मैंने शायद एक आधी बार ही खाया, मुझे पता नहीं कैसा टेस्ट होगा इसका, शक्ल बड़ी मस्त लग रही है देखो, ये आंटी ने बनाया, हमारे हनी आंटी इधर उन्होंने बनाया है, बड़ी अच्छी लग रही है कड़ी देखने में, अभी खा के बताता हूँ कैसे। यार टेस्ट चेंज हुआ, अच्छा है, तला तला खा के बहुत हैवी सा लग रहा था, एकदम लाइट वेट है, मस्त है, बड़ी भूख लगी, खा लिया। थोड़े से रिकॉर्ड बताता हूँ, कला स्टार ने जो ब्रेक किए हैं, 1 ट्रेंडिंग है 7 कंट्रीज में, ओवरऑल हैशटैग 16 कंट्रीज में ट्रेंड कर रहा है, ठीक है। कला स्टार इज़ द मोस्ट व्यूड सॉन्ग ऑफ यो यो हनी सिंह ऑन डे 1, 33.3 मिलियन व्यूज़ आए हैं इस पर, फास्टेस्ट इंडियन सॉन्ग टू क्रॉस 1 मिलियन इन 51 मिनट्स, सुनते जाओ भी, फास्टेस्ट इंडियन सॉन्ग टू क्रॉस 5 मिलियन लाइक्स इन 13 आवर्स, कला स्टार इज़ नाउ मोस्ट लाइक्ड इंडियन सॉन्ग ऑफ 2023 सरपासिंग एमीवे कंपनी, कलास्टार हैज़ 5.6 मिलियन लाइक्स इन 1 डे, पूरी लाइफ टाइम में इतने व्यू नहीं आते लोगों को जितने भाई के एक दिन में एक गाने के ऊपर आ गए भाई, ये हनी सिंह भाई का सकता, ये आम बंदे के बस की बात है नहीं।
जितना दिखता है ना मुझे लगता है उतना आसान होता नहीं होगा, क्योंकि पहले तो एक्साइटमेंट होती है पहले दिन, तो दूसरे दिन आपको हिट करना शुरू होता होगा कि यार ये मैं कहाँ पे आगे फंस गया, कहाँ मैं घर में यहाँ पे हर टाइम कैमरा और कैसे रहना कैसे नहीं रहना, सारी प्लानिंग प्लॉटिंग निकल जाती होगी दो तीन दिन में, इसलिए उसको डिफिकल्ट गेम शो बोला जाता है। अभी तो असली रंग निकलने शुरू हो गए लोगों के, अभी तो जो एक्टिंग वैक्टिंग जो प्लान करके आए वो चल रहा है। एक हफ्ते के बाद मेरे हिसाब से रियल पर्सनैलिटी सबकी निकलनी शुरू होती है, धीरे धीरे हो जाती है, पर एक जब एक हफ्ता खत्म होता है ना फिर सबकी रियल पर्सनैलिटी निकलनी शुरू हो जाती है। मुझे लगता है अभी तक आपको ही पसंद आ रहा है क्या बिग बॉस में, बताना ज़रा कमेंट में। प्रेशा से बात हुई, प्रेशा से नहीं पूजा से बात हुई है, प्रेशा ठीक नहीं, आपको फिर से खांसे और जुकाम हो गया, उसको डॉक्टर के पास लेके जाएगी पूजा, बट रात में उन्होंने कहा नहीं बहुत मुश्किल है, मुझे पता है क्योंकि जब वो रात को खांसे करते हैं ना बार बार उठती रहती है, उसकी नींद खराब होती है और उसको संभालना मुश्किल है, तो बच्चे बता भी नहीं सकते कि दिक्कत क्या हो रही है, तो प्रॉब्लम की बात है। चलो भाई आज के लिए इतना ही, गुड नाइट, टाटा बाय बाय, से यू, कल मिलता हूँ एक और नए दिन एक और नए ब्लॉग में, ब्लॉग अच्छा लगा या नहीं लगा तो भी लाइक या सब्सक्राइब कर दो भाई, बाय।